दोस्तों, अभी आम का सीजन चल रहा है और आज हम बनाने जा रहे हैं अंगूरा, जो कि बनता है कच्चे आम और रवा से। तो सबसे पहले हमने कच्चे आम को छील लिया। छीलने के बाद उसे हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। टुकड़े हुए आम को उबालने के लिए हमने पानी में डाल दिया। आम को अच्छी तरीके से उबलने दे, इसका खट्टापन निकलने दे, ढके नहीं। उबलने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेंगे। फिर हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया। तेल गर्म होने के बाद हमने थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी सूखी मिर्च डाल दी। फिर उबला हुआ आम इसमें डाल दिए। डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से चलाना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लें। और अब इसमें डालना है रवा यानी गुड़। तो चलिए रवा को डाल देते हैं। अब रवा डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हमने चावल का आटा लिया। चावल का आटा को हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद हल्का हल्का इसमें डालें और चलाएं। फिर थोड़ा सा डालें और चलाएं। फिर थोड़ा सा डालें और चलाएं। अब इसे अच्छी तरीके से पकने दें। पकने के बाद ये देखिए बिल्कुल इस तरह से दिख रहा है, गाढ़ा भी हो गया अच्छा सा। बच्चे इसे बहुत ही मजे से खाते हैं। आप अगर पहले कभी खा चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं खाए हैं तो बना के और फिर हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।